ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। संसद की पंचायत और हम हैं भरतपुर में, यानी कुल मिलाकर लोहागढ़ के अभेद दुर्ग को जीतने की जद्दोजहद। दोनों पार्टियां तैयार हैं, दोनों खेमे तैयार हैं। मेरे साथ यहां पर खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार भी हैं बहादुर सिंह की कोहली, और साथ में जितने भी भरतपुर के एमएलए हैं वो सब यहां पर इनके साथ हैं। एक खेमा पूरी तरह से तैयार है, दूसरा खेमा कांग्रेस का भी हमारे साथ खड़ा है। यहां पर कांग्रेस की तरफ से आदित्य आलोक जी और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, इसके अलावा आम लोग भरतपुर के हमारे साथ हैं। ये सब इस पंचायत में हमारे साथ रहेंगे। हम फैसला नहीं सुनाने वाले, लेकिन वादे दावे को हम तोलेंगे सतोलेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ आदित्य आपके पास, कांग्रेस की तरफ से 5 साल आपके यहाँ पर सांसद रहे। लोगों की बड़ी शिकायत रही, लोग कहते थे कि सांसद साहब नजर बहुत कम आते हैं। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कोई भी बात है, बल्कि पिछले 5 साल में जो सांसद साहब काम कर सकते थे, बहुत उन्होंने अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई। खासकर मैं कहना चाहूँगा कि जाट आरक्षण का एक लोकल मुद्दा ऐसा मुद्दा था जिसके लिए भरतपुर पिछले 5 साल से 7 साल से संघर्ष कर रहा था। गत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसको इस तरह से उलझा के पटका, सांसद साहब के खुद के प्रयासों से और भरतपुर के और कांग्रेस के महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के प्रयासों से और नेताओं के प्रयासों से जाटों को, भरतपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण मिल सका। अभी की हाल की बात है कि सांसद साहब के खुद के प्रयासों से, हमारी केंद्र सरकार के प्रयासों से भरतपुर को मेडिकल कॉलेज। आलोक जी आपके पास आऊँगा आदित्य को रोकता हुआ। यहाँ के लोग ये कहते थे कि लास्ट के जो आप कुछ दिन बचे थे तब पहली बार एक यहाँ पर सेवा केंद्र के उद्घाटन में सार्वजनिक रूप से सांसद साहब नजर आए। लोगों ने तो शिकायत तक दर्ज करा दी थी कि सांसद लापता। बिल्कुल गलत बात है ये। भरतपुर का जो सांसदीय कार्यकाल रहा है वो बहुत ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। मुझे बताते हुए बहुत फक्र है कि आज भरतपुर जिले को संपूर्ण NCR में सम्मिलित किया गया है। NCR में सम्मिलित होने का तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि भरतपुर में विकास की एक नई शुरुआत होगी। भरतपुर में NCR में शामिल करने, जाट आरक्षण दिलाने के लिए और भरतपुर में लगभग 16,000 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत कराने के लिए सांसद जी ने जिस तरह से भरतपुर को एक बार नए सिरे से पर्यटन की। आलोक जी ये दावे हैं, मैं इन दावों को लेकर सीधे आता हूं। सबसे पहले बहादुर सिंह जी आपके पास, इनके दावे हैं, इन्होंने जो दावा किया है कि सांसद सक्रिय रहे 5 साल, उनकी सक्रियता का लाभ भरतपुर को मिला, आप चुनाव लड़ रहे हो, मन में डर तो नहीं है इनकी बातों से? बिल्कुल नहीं, ये मैं यानी आपको ये कह रहा हूँ आदित्य, या आपके जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस वाले, ये तो जनता बताएगी, जनता जवाब देगी, जनता के बीच में जाएंगे जब जनता इनको जवाब देगी, यानी जो मौजूदा सांसद ने क्या किया, जनता जवाब देगी इनका कहना है। हम सीधे एक बार चलेंगे, जगत सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर है विधायक। जगत सिंह जी, जनता जवाब देगी, जनता के बीच में तो आपको भी जाना है जी। और अगर भरतपुर की, सिर्फ भरतपुर की बात की जाए, इन 5 सालों को अगर छोड़ दिया जाए, आपको क्या लगता है डेवलपमेंट के मामले में भरतपुर क्या स्टैंड करता है? आपके भी सांसद हैं, ईमानदारी से जवाब चाहूँगा। देखिए साहब, ईमानदारी से ही जवाब दूंगा। जिस उम्मीद के साथ भरतपुर की जनता ने, जो वर्तमान में हमारे सांसद महोदय हैं यहाँ से, जिनका मैं भी सम्मान करता हूँ, जिस उम्मीद के साथ उनको संसद में भेजा, वो पूरी तरह से वो खड़े नहीं उतरे। अब ये जो बात आ रही है कि वो लापता रहे, वो आए या नहीं आए, वो एक अलग बात है। अहम मुद्दा यह है विकास का, और भरतपुर की जनता के साथ ये सौतेला व्यवहार हुआ है पिछले 5 साल में, इसलिए कि केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की रही है, जयपुर में भी, राज्य स्तर पर भी सरकार कांग्रेस की रही है, और यहाँ विकास इस गति पे होना चाहिए था कि कांग्रेस के लोग, जनता, हम भी आज कहने के इस लायक हो सकते थे कि सांसद महोदय ने वास्तव में भरतपुर को चमका दिया और चमन बना दिया, पर ये हुआ नहीं। जगत सिंह जी, मैं ये सवाल, मेरा सवाल अभी अधूरा है, मैं लौटूंगा इस सवाल के साथ। मेरा कहना सिर्फ इतना था कि इन 5 सालों को छोड़कर अगर चर्चा के, बसपा से हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, बसपा के प्रभारी। राजेंद्र जी, दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात करी है, उनका कहना है 5 साल में विकास किया, इनका कहना है कि 5 साल का लाभ जनता को नहीं मिला। देखो, 5 साल पहले 6 विधायक भरतपुर जिले में बीजेपी के थे, और आज भी 6 विधायक बीजेपी के हैं, और आज कांग्रेस का सांसद है, और दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, दोनों ने भरतपुर का विनाश किया, विकास के नाम पर विनाश किया है। आपके पास विकास की योजनाएं हैं? हमारे पास में विकास के, यहाँ पर रोजगार के कोई साधन नहीं, जो रोजगार के पूर्व में फैक्ट्रियाँ थी पूरी चौपट पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर जो चंबल का, जो पानी की जो व्यवस्था, जो चंबल के नाम पर कई साल हो गए, लेकिन चंबल के नाम पर जो हमारे मल्हाया गाँव में स्टॉक है, वह मल्हाये गाँव में नहीं पानी की व्यवस्था। आपको रोकता हुआ मैं सीधे विजय बंसल जी के पास चलता हूँ। विजय जी, जो सवाल था मेरा, वो सवाल अभी अधूरा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 5 साल इनके कार्यकाल को हम टोक दें या उनको हम कोसें, आप भी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, आप चाहे विधायक रहे हो या आपके भी सांसद पहले यहाँ पर रहे।
पाँच साल की इनकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं। पूरा देश इनकी उपलब्धियों से सर झुकाए बैठा है। घोटाले हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, आज पूरा देश की जनता एक बात नहीं लगती भारतीय जनता पार्टी तुरंत ऐसा नहीं होता कि जैसे ही पाँच साल की बात आती है बड़े भावनात्मक मुद्दों पर चली जाती है, महंगाई, भ्रष्टाचार, हम स्थानीय मुद्दों को छेड़ के भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। भावनात्मक मुद्दे नहीं, पहले 2003 से 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, कितने विकास किया भरतपुर की जनता से पूछ सकते हैं। 2008 से 13 के बीच एक भी विकास का कार्य अगर बता दें तो इनकी 21 में समझने की हालत नहीं होती। जनता विकास और विनाश दोनों को अच्छी तरह पहचानती है और समय आने पर उसका जवाब देती है। चलिए, कितने कॉन्फिडेंट है उनके पास चलते हैं, 21 पे समझ गए, अगर काम किया होता तो ये स्थिति नहीं होती। स्थानीय मुद्दे इतने हावी होते हैं कि राज्य सरकार के इलेक्शन और केंद्र सरकार के इलेक्शन में स्थानीय मुद्दों का इतना पुट नहीं होता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जहां तक हमारे विधायक जी ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ, भरतपुर में पर्यटन के लिए एकमात्र घना ऐसा केंद्र है जो पानी के लिए तरस रहा था। आलोक जी, आपकी बात, आप का पानी आपकी बात भरतपुर के घर घर में आ गया है। आपकी बात मैं बढ़ा रहा हूं, आपने कहा इनका व्यवसाय इतना डेवलप हो गया है कि यहां होटलों में जगह नहीं मिल रही है। आज इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, एकमात्र क्रेडिट दिया जाएगा भरतपुर के सांसद। अब मैं आपके सवाल पर आ रहा हूं कि स्थानीय मुद्दों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम स्थानीय, आपने कहा स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे अलग अलग हैं इस चुनाव में। नहीं, देखिए, मैं राष्ट्रीय मुद्दे की बात करता हूँ, महंगाई की बोली विधायक साहब ने, मैं ये बोलना चाहूंगा इस देश में महंगाई की जननी बीजेपी है। पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीजल को ओपन मार्केट में ले जाने वाले बीजेपी है, कॉमर्शलाइज करने वाले बीजेपी है, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी बनाने वाले बीजेपी हैं। क्या 10 साल इस 10 साल में महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार? जब किसी के रास्ते खोल देते हो उनपे कमांड करना इतना आसान नहीं रहता। रास्ते किसने खोले उसके लिए? पिछले 55 साल की कांग्रेस की बात करते हैं, 55 साल में कांग्रेस ने वो कभी काम नहीं किया। उनका चलिए आप महंगाई पे आ गए तो मैं अगला विषय उन्होंने उठाया था, भ्रष्टाचार भी एक विषय। देखिए, भ्रष्टाचार कर्नाटक में नहीं है, भ्रष्टाचार गुजरात में नहीं है, भ्रष्टाचार गत बीजेपी में नहीं हुआ, भ्रष्टाचार सब जगह मुद्दा है, भ्रष्टाचार लोकतंत्र का मुद्दा है, भ्रष्टाचार को खाली हम एक मुद्दा कांग्रेस क्या 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 पॉलिटिकल रिफॉर्म से भ्रष्टाचार के विषय को खत्म किया जा सकता है? हम दीपा जी के पास आएंगे। दीपा जी, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पूरे देश का विषय, क्या पॉलिटिकल रिफॉर्म का विषय नहीं है, इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म का विषय नहीं है? नहीं, भ्रष्टाचार जिस तरह से इन कांग्रेस वालों ने किया है कि ये बहुत ही हद से ऊपर कर दिया है, क्योंकि आए दिन पे डीजल के पेट्रोल बढ़ाओ, आए दिन पे सब्जियों के भाव ऊपर गए हैं, बहुत भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया सब जगह। केंद्र के खिलाफ जो एंटी कंपेंसी थी वो बीजेपी के पक्ष में जानी चाहिए थी, बीजेपी के पक्ष में ना जाके गुजरात के कुछ चुनिंदा सेटों के जरिए वो सारी की सारी एंटी कंपेंसी हर हर नमो के नाम से जारी है। क्या ये उचित है? ये कांग्रेस को ये तकलीफ है? मैं उठा रहा हूँ ना इस बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यही भ्रष्टाचार की जननी है, यही भ्रष्टाचार है कि नरेंद्र मोदी सभाएं कर रहे हैं, लोगों को सपने दिखा रहे हैं, भावनात्मक बातें कर रहे हैं, इसके अलावा बुनियादी बातें हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पूरा देश, आप भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसमें खुश है कि मोदी लहर चल रही है, इसी के भरोसे हम जीत जाएंगे, विजन अब तक नहीं आया। नहीं नहीं साहब, दृष्टिकोण तो मोदी साहब अपने हर एक आम सभा में अपना दृष्टिकोण पूरी जनता के सामने वो पेश कर रहे हैं, और उनका दृष्टिकोण यह है कि हमें मुक्ति मिले भ्रष्टाचार से, महंगाई से, जो हमारे सामाजिक जो तनाव है, जो हमारी पीड़ा है, उनसे हमें मुक्ति मिले। और देखिए, एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे देश में एक संविधान है, हमारे देश में नियम और कानून है, और मजबूती के साथ आप इन नियमों का पालन करोगे और उन नियमों को आप लागू करोगे तो आपके भ्रष्टाचार का जो समस्या है, जो आपकी महंगाई के लागू करने वाला कौन है, लागू करने वाले भी राजनेता है, आप हैं या आप? आज सवाल ये है साहब कि भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे विशेष की बात करती है, आज मोदी जी को लेकर आगे आ गए हैं, इससे पहले राम मंदिर की इन्होंने बात की, इससे पहले धारा 376 की इन्होंने बात की। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि 76 में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं, इससे पहले उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि ये अपने एक मुद्दे विशेष पे बात क्यों नहीं करना चाहते, ये एक मुद्दे पर बात क्यों नहीं करना चाहते बसपा से? देखो, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी की कोई लहर नहीं है। यदि मोदी की लहर होती तो कुमेर में डिगम्बर सिंह विधायक होते,
क्या मायावती की लहर है देश नहीं, मैं यहाँ की मोदी की लहर, हाँ मायावती जी की उत्तर प्रदेश में लहर है। मैं कह देना चाहता हूँ, लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने जोर लगा लिया, रमाबाई अंबेडकर मैदान बीजेपी पर नहीं भरा था। आप तो दोनों पे आरोप लगाते हैं लेकिन आप अपना एजेंडा और मुद्दा कभी नहीं बताते। एक एजेंडा है कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाओ। हमारा एजेंडा है, हमारा मिशन मूवमेंट विचारधारा की बात करते हैं हम, शासन में प्रशासन में गरीब कमजोर वर्ग को हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं। ये बीएसपी का एजेंडा है, शासन में प्रशासन में समान भागीदारी हो और मजदूर किसान वर्ग को सबकी भागीदारी के लिए बीएसपी बात करती है। इस भागीदारी को उत्तर प्रदेश में निभा पाए? उत्तर प्रदेश में हमारा चल रहा है, पूरे देश में हम काम कर रहे हैं। चलिए चलिए, चुनाव क्यों हारे इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे इनके साथ। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, दोनों ने ही भरतपुर के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया। चलिए, कितने लोगों को लगता है कि भरतपुर के साथ सौतेला व्यवहार हुआ? काफी इधर इधर से किस किस को लगता है? चलिए, बहुत सारे लोगों को, हम इनके पास आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बीजेपी अपनी लहर बता रही है कि बीजेपी की लहर है। जब बीजेपी की लहर है तो जो दागी नेताओं को क्यों दूसरी पार्टियों को शामिल कर रहे हैं पार्टी में? ये बड़ा सवाल, बड़ा सवाल, आम आदमी का सवाल। मैं सीधे आता हूँ एमएलए साहब के पास। एमएलए साहब, एक बड़ा सवाल है यहाँ तो, कि अगर आपकी लहर है तो क्यों दो दो जगह से लोग चुनाव लड़ते हैं? क्यों आपको दागियों को शामिल करना पड़ता है? क्यों कांग्रेसियों को आपको लेना पड़ता है? ये तो क्या नाम से है, जो ऊपर के लोगों की बात है और शायद वो उनके हो सकता है कि इन लोगों ने उनको प्रेस किया हो। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई कांग्रेसी जुड़ेगा तो आप नहीं जुड़ोगे? हैं जी, नहीं, हमारे क्षेत्र में छोटी जगह की बात करें, नहीं, हमारे क्षेत्र में कांग्रेस जुड़ेगा तो क्यों नहीं जुड़ेंगे? अगर हमारी भावना में आएगा, हमारे विचारों में आएगा, हमारे विचारों के साथ चलेगा, हमारी रीति नीति के साथ चलेगा, जरूर जुड़वाएंगे उसको। बंसल साहब, क्या रीति नीति चुनाव के समय लोग रीति नीति के साथ जुड़ते हैं क्या? ईमानदारी से जवाब दीजिए। देखिए, पार्टी एक सेकंड के लिए तो पार्टी भूल जाएगी। देखो, देश की जनता आज़ादी के इतने सालों बाद काफ़ी समझ चुकी है और इसी का कारण है कि वो सोच समझ कर योग्य उम्मीदवार को ही वोट देती है। 15 साल से गुजरात का शासन देखकर अल्पसंख्यक वर्ग भी नरेंद्र मोदी से जुड़ चुका है और नरेंद्र मोदी, जहां तक बात मुद्दे की बात है, नरेंद्र मोदी की रैलियों के भाषण, लेकिन बंसल साहब एक चीज और है, आज भी देश का अल्पसंख्यक एक आंकड़ा है, 77% अल्पसंख्यक विश्वास नहीं कर पा रहा है आपके। विश्वास हो रहा है धीरे धीरे, इतने साल का मियां कभी थोड़े साल भी देश की एक बड़ी आबादी है, आपको विश्वास कायम करना पड़ेगा। मोदी जी का कहना है हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बनकर रहो, आतंकी बनकर मत रहो, और वो इस बात को समझ रहे हैं जो पढ़ा लिखा समाज है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देश कमजोर क्यों हो रहा है कि 10 साल से सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, यानी स्वयं के मौन मुंबावा कुछ निर्णय नहीं ले पाते। जब भी कोई भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो उनके जनता के जनप्रतिनिधि ही लोकतंत्र की शक्ति होते हैं। भरतपुर में गत 10 सालों से एक तरफा बीजेपी को बहुमत दिया है, समर्थन दिया है भरतपुर के लोगों ने, लेकिन बड़े दुख के साथ मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि भरतपुर के जनप्रतिनिधियों ने भरतपुर के लिए कभी भी कोई भरतपुर के विकास में अपनी भूमिका नहीं निभाई। अब मैं एक दूसरी बात भी आपसे यहीं पर अपनी एक बात और कहना चाहता हूँ। राजस्थान में वसुंधरा सरकार आई, बहुत जोरदार इनको समर्थन मिला, किन मुद्दों पर आई? उन्होंने एक बात रखी, युवाओं के लिए आरटेट हटा देंगे, क्या ये मुद्दा था आरटेट हटा देंगे? एक आंकड़ा ये कहता है कि 164 सीटें लेकर आए, 163। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में जो समर्थन मिला है इनको, इनके हाथ में जिम्मेदारी दी है, उनको मानना पड़ेगा। लेकिन मैं एक झूठ की बात कर रहा हूँ आपको, क्या आरटेट को हटा सकते हैं क्या? वो नहीं हटा सकते। अब उसी आरटेट को थर्ड रेट के मेरिट के बेस को बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, 15 लाख रोजगार की बात करी, 15 लाख रोजगार की बात का मतलब होता है 1 साल में 3 लाख, 6 महीने में 1 साल में 25,000, सॉरी 3 लाख, और 6 महीने में 1.5 लाख। क्या आप देखिए 4 महीने में कितने रोजगार देती है? कांग्रेस प्रारंभ से ही सब जाति धर्मों की पार्टी है, सब पूरे देश को एक रखने वाली पार्टी है। क्या दावा क्या है? कभी कोई कम्युनल देश को बांटने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस सिंपल विकास के लिए काम करेगी और विकास के लिए लंबे समय तक कार्य कर रही है। आपका दावा क्या है इस सीट? भरतपुर की सीट निश्चित रूप से कांग्रेस, ये दावा इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप दोनों से एक साथ भरतपुर की सीट निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में जाएगी, सीट कांग्रेस की जीतेगी राजनीतिक रूप से। मैं ये 8 में से 7 आपके पास नहीं है तब दावा पूछ रहा हूँ। बिल्कुल दावा है, पहले भी 8 में से 7 हमारे पास नहीं थे, 6 नहीं थे, 1 थे हमारे पास, हमने फिर भी जीती और इस बार भी जीतेंगे। और देश में क्या मानते हैं राहुल गांधी की? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी कभी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। बहुत 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 तेज दावा इनका है, आखिरी दावा में आपका दावा क्या? देखिए जी, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल आता है, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री लायक नहीं है।
उन्होंने समय समय पे आपका, मैं तो आपका दावा ले रहा हूँ, अब राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस के लिए। हाँ, आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हो? आपका भरतपुर को लेकर दावा? भरतपुर लेके दावा सब, कम से कम 1,00,000 वोटों से हम जीत के जाएंगे। चलिए, इधर बसपा वाले भी हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं जी। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरीके से वसुंधरा 10 दिन यहाँ पर रह के गई है, विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया, ये संभाग मुख्यालय है, यहाँ पर विकास होना चाहिए। वसुंधरा 10 दिन रह के गई है, राशन कार्ड आपका दावा हमारा दावा बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से सांसद होगा, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से सांसद जीत करके जाएगा। वसुंधरा जाति प्रमाण पत्र राशन कार्ड बना के गई और आपका दावा। चलिए, संसद की पंचायत में दावे लोगों के अपने हैं, वादे अपने हैं, राजनेता दावे करते हैं, जनता से वादे करते हैं, लेकिन साथ में है जनता, जिसके पास है असली ताकत, जो अपने वोट की ताकत से तय करेगी कि आखिर भरतपुर में उनका नुमाइंदा कौन होगा संसद में, जो भरतपुर का प्रतिनिधित्व करेगा। ये इनके दावों को भी तोलेगी, इनके वादों को भी तोलेगी और तय करेगी भरतपुर की जनता। संसद की पंचायत में आज भरतपुर से इतना ही, दीजिए टीम को इजाजत, धन्यवाद, कल मिलेंगे आपके संसदीय क्षेत्र में।